हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैं आई हूँ ग्वालियर। तो ग्वालियर की फूड ब्लॉगिंग जब कर रही हूँ तो यहाँ पे हूँ चाय गजक वाले के यहाँ, जिनकी काफ़ी पुरानी दुकान है। दौलतगंज में भी दुकान है, नई सड़क पे भी दुकान है। और इसकी सारी डिटेल आपको मैं अब यहाँ के ऑनर के द्वारा आपको बता दूँगी। और यहाँ तरह तरह की गजकें मिलती हैं और है ना, आपको हर तरह की गजक मिलती है। ये बहुत पुरानी मेन ग्वालियर से या गजक ज़्यादा की विशेषता है कि गजक ही यहाँ की ज़्यादा अच्छी। और जगह जो गजक मिलती है उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो ग्वालियर की गजक में स्वाद होता है। और यहाँ इसके अलावा भी स्नैक्स मिलते हैं, पानी पूरी है, राज कचौड़ी है, दही भल्ले हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं भी इसका यहाँ से गजक अपने लिए पैक करा रही हूँ। अपने बहुत लोगों ने मंगाया है मुझसे सामान, तो उनके लिए लेके जा रही हूँ। और आप भी अगर जब भी ग्वालियर आना हो तो यहाँ पर ज़रूर आए। शाही गजक स्वागत है ग्वालियर शहर के अंदर। और यहाँ पे गजक एंड स्नैक्स एंड चाट वगैरह मिलता है। यहाँ गजक फेमस है ग्वालियर की, जो सबसे ज़्यादा चलती है शाही गजक ग्वालियर की। यहाँ पे चाट वगैरह मिलता है आपको, जैसे राज कचौड़ी, पापड़ी चाट, दही बड़ा, गोलगप्पे एंड समोसे, आलू टिक्की। यहाँ चाट लोग चाट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गजक में क्या वैरायटी है? गजक में 5-6 वैरायटी आती है अलग अलग। काजू वाली, काजू पिस्ता गजक आती है, प्लेन खस्ता गजक आती है, तिल की तिल बर्फी आती है, एंड चिक्की आती है, ग्राउंड नट चिक्की, और इसमें ड्राई फ्रूट चिकचैक आती है। सबसे ज़्यादा लोग कौन चीज़ को पसंद करते हैं आपके? खस्ता गजक, गुड़ की खस्ता गजक, काजू पिस्ता गजक और तिल बर्फी, ये सबसे ज़्यादा चलती है। और ग्राउंड नट चिक्की, मूंगफली दाने की चिक्की। तो ये गजक 12 महीना आती है? ये मैम 4 महीने का सीजन होता है, 4 मंथ चलती है, अक्टूबर से लेकर जनवरी, 14 जनवरी तक। अभी गजक जो मिल रही है वो चलती है, फिर अपने बाहर से कस्टमर आते हैं उनकी डिमांड पर चलती है। बस जो सीजन जाता है 4 महीने ज़्यादा रहता है, उसके बाद फिर वो 4 महीने और चलती है, बरसात में बंद रहती है। गजक की ना कितने दिन तक है ना उसकी लाइफ होती है? गजक की लाइफ 4 मंथ होती है, 4 महीने की लाइफ होती है उसकी। खुली गजक भी मिलती है कि पैकडी मिलती है? खुली गजक टेस्ट कराने के लिए रखते हैं, बस पैकिंग की लाइफ ज़्यादा होती है। खुला हुआ करेंगे तो जब उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। क्या प्राइस रहता है? बनेटी का, हाफ के जी, काजू पिस्ता गजक, तिल बर्फी, प्लेन गजक होती है 140 का पैकेट होता है, ग्राम नट चिक्की होती है वो 100 रुपीज़ का पैकेट रहता है, 400 ग्राम का। और इसके अलावा डिब्बे में आपको क्या दिख रहा है? ये तो सब मखाने वगैरह रखे हुए। ये गजक आप ही के द्वारा बनवाई जाती है किसी और के? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। ये कहाँ पे है आपकी दुकान? ये राजू मिष्ठान भंडार, नई सड़क पर हमारा हेड ऑफिस है, वहीं बनती है। उनके ओनर हैं श्री राजकुमार सेवरे, और ये जो ये साना सौकत पर बैठते हैं उनके छोटे भैया श्री राकेश सेवरे, उनकी शॉप है। कितने साल पुरानी? ये 22 साल पुरानी शॉप है। किस साल में हुई थी? 11 अक्टूबर 1999 में ये शॉप का ओपन हुआ था। ग्वालियर के अलावा एक ब्रांच है? ग्वालियर के अलावा तो नहीं है, ये एक नई सड़क पे है हेड ब्रांच, जो राजू मिष्ठान भंडार के नाम से है। ज़्यादातर कौन सी लोग गजब लेना पसंद करते हैं? ज़्यादा खस्ता गजब ज़्यादा चलती है, उनकी प्लेन मिलेगी। इस वक्त मिलेगी? हाँ। इसका हाफ के जी का मिलेगा? कितने का है वो? 140 का हाफ के जी आता है। ये सबसे ज़्यादा चलती है ये वाली गजक ले लें, ये 2 पैकेट का। नमस्कार, मैं राकेश शेवर है, शाना शौकत मैनेजमेंट। शाना शौकत को खुले हुए नियर अबाउट 25 ईयर्स हो चुके हैं। इसके पहले जो इसकी पहली फर्म है राजू मिष्ठान भंडार नई सड़क, उसको करीबन 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। वहाँ से ही यहाँ शुरू हुए हैं। शाही ब्रांड जो केवल हमारे दिया हुआ है, वरना सभी जगह ये होता था कि भाई मुरैना की गजक, बाड़ी की गजक, शाही हमारा ही ब्रांड है और शाही केवल हम ही बनाते हैं और पूरे प्रदेश को सप्लाई देते हैं, पूरे मध्य प्रदेश, अदर स्टेट, यूपी एंड राजस्थान। एंड शाना शौकत को इनॉग्रेट हुए आज 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और शाही जो मेरा ब्रांड है उसमें कई वैरायटी हैं इंट्रोड्यूस की हुई हैं, शाही तिल बर्फी, शाही गुड़ तिल लड्डू, शाही गुड़ की खस्ता गजक, शाही काजू पिस्ता गजक,
शाही चिक्की, ये देसी चिक्की है, मूंगफली और गुड़ की बनी हुई है। ग्वालियर शहर में इस क्वालिटी की गजक कोई भी नहीं बनाता है। एंड शाही चिकचैक, ये ड्राई फ्रूट चिक्की है, ये ग्लूकोज पे बनती है और ये केवल मेरे यहीं अवेलेबल रहती है। और गजक मैं 10 महीने चलाता हूँ, शहर में सभी जगह गजक 2 से 2.5 महीने में बंद हो जाती है, लेकिन मेरे यहाँ आपको 10 महीने मिलेगी गजक। अगर जैसे यूपी से या कोई अन्य स्टेट से कोई मंगाना चाहे तो कैसे मंगाए? मैं अमेजोन द्वारा भेज देता हूँ, या इंदौर या भोपाल कोई मंगाता है तो वीडियो को से उनको डिलीवर हो जाती है। अभी समर सीजन है, मार्च का टाइम है, और मार्च के टाइम पे कब तक आपके यहाँ गजक मिलेगी? 12 महीना मिलती है? 2 महीने बंद रहता है बारिश का मौसम। ओके, और बाकी 10 महीने मेरे यहाँ गजक अवेलेबल रहती है। और इसकी ना लाइफ कितनी देर? 3 मंथ्स। इस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी दोनों मेंशन है। इस पे ग्वालियर के अलावा भी आपकी ब्रांचेस हैं? 2 हैं। मैंने पहले ही राजू स्टैंड में डाल सेकंड दिए, वहाँ से शुरू करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग कौन सी चीज प्रेफर करते हैं गजक में, आपकी कौन सी लेना पसंद? गजक में गुड़ की खस्ता गजक ज्यादा लाइक करते हैं, जो ट्रेडिशनल होती है। और इसके अलावा आप, मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ स्वीट्स वगैरह और ना चाट वगैरह भी आपने शुरू किया है। डेफिनेटली गजक का काम तो मेरा शुरू से है, मतलब मैंने जो मिठाई किया दुनिया में जब कदम रखा तो 2 चीजों से शुरुआत की थी, भिंड का पेड़ा और मुरैना की गजक। फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, हम दोनों भाइयों का, मेरे बड़े भैया के साथ हम लोग आपस में काम करते हैं। मेरे बड़े भैया राजकुमार शिवरे, राजू मिस्टर मंडार उन्हीं के नाम से। फिर हमने ये दुकान परचेज करी, उसके बाद इसको मिष्ठान भंडार का नाम दिया, मतलब शाना शौकत मिष्ठान भंडार एंड स्नैक्स, समोसा कचौड़ी ये भी शुरू किया। तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई, प्रोग्रेस की ओर बढ़ते चले गए। थैंक यू सो मच, वेलकम। आप सबको हैप्पी होली शुभकामनाएं। मेरा नंबर है 9926187222। बाहर से डिलीवरी मंगा रहा है गजक, तो उसका कितना मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि तब आप डिलीवरी करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की तो जहाँ तक मेरी बात है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी वो मंगाता है तो मेरे डीलर ऑलमोस्ट सभी जगह हैं। केवल मुझे उनको फोन करना है, ये नंबर नोट करो, उनको बोलो ये गजक यहाँ से पिक कर ले, वैसा हो जाता है। और एमपी के बाहर के वालों? एमपी के बाहर आप डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह है, तो वो कोरियर चार्जेस जो भी ले अमेजोन। अगर अमेजोन के अलावा, अगर जैसे आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर जो आपका दिया गया है उस नंबर से आपको फोन करें, तो कितना अमाउंट का मिनिमम होना चाहिए तो आप डिलीवरी कर रहे हैं? मतलब ऐसा होता है, मेरा कोई उसमें चार्जेस नहीं है। हाँ। जो भी जैसे, मतलब 180 का एक डिब्बा लिया तो 180 का आप डिलीवरी कर सकते हैं? एक हो सकता है ये, क्योंकि वो डिलीवरी जो लेते हैं कुरियर वाले, वो क्या लेते हैं वो उनके ऊपर, डिलीवरी बॉय मेरा अलग है, वो काम उसका है। ओके, थैंक यू। इनके यहाँ के शाना शौकत के पानी पूरी खा रही हूँ, ये आलू है और ये काली मिर्च है और ये गर्म खट्टा खट्टा पानी है, तो इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। पानी थोड़ा सा तो बहुत खाई होगी होली पे, लेकिन ये पेठी वाली गुजिया नहीं होगी खाई होगी। ये देखिए, ये गुजिया वाला पेठा हम तो छोटे से खाते आ रहे हैं। और इसके अलावा हमने अंगूरी पेठा, चॉकलेट पेठा, पिपरमेंट वाला पेठा, पान पेठा, ये सब अपने घर के लिए और अपने मिलने वालों के लिए हमने पेठा लिया है।
और ये पेट में खा के टेस्ट बताती हूँ इसका। अंदर नारियल के खोए की मिक्स जो है मिलित बहुत बढ़िया। इसमें देखिए इसे पिपर में भी पड़ता है और इसका टेस्ट अलग होता है। देखिए सारे नहीं लगाने, दो पान ग्लोरी, दो सावा ग्लोरी और गीले आइटम दो दो पीस चार पांच तरीके के। बहुत बढ़िया, ले आओ पान ले आओ, बहुत बढ़िया ले आओ। ये चाहिए था, अभी और टेस्ट बताती हूं मैं आपको। कैसे आप डिलीवरी जैसे किसी दूसरे स्टेट में मंगाना? मैम जैसे कि जो ड्राई पिट होता है वो तो हो जाता है, कोरियर में ख़राब नहीं होता, बिना फ्रिज के करीब 15 से 20 दिन चलता है। लेकिन जो होता है ये यूनिक वैराइटीज़ होती हैं, ये डिलीवर नहीं हो सकती क्योंकि ये बिना फ्रिज के दो दिन ही चलती हैं, दो या तीन दिन। ज़्यादातर कहते हैं कि लाइफ लास्ट कितने दिन तक होती? जो ड्राई पिटे की होती है वो एक महीने की होती है, और जो ये स्पेशल आइटम होते हैं ये बिना फ्रिज के 3-4 दिन और फ्रिज में 15 दिन। सबसे ज़्यादा पिठा कौन सा बिकता है? और उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, ड्राई में केसर वाला मेन है, चाशनी वाले में अंगूरी मेन है, इस इन सब वैराइटीज़ में ये पान वाला बहुत अच्छा चलता है और ये कोकोनट वाला मेन है। इसमें सब कलर मिलाते हैं? नहीं, किसी में कलर होते हैं किसी में ओरिजिनल आइटम होते हैं, कलर भी सारे फूड कलर्स होते हैं। आप कौन सी पीढ़ी हैं इसमें? मेरा 5th है। 1950 से चल रही है? किससे पहले से? 1950 से। करीबन कितना समझे सर? 50-60 मोर देन 70 इयर्स। 70 इयर्स, थैंक यू, वेलकम। पुरानी शॉप है अपने, जो 50 से चल रहा है, 1950 से। कितनी वैरायटी टोटल? 60 करीब। आंटी वैसे आप कुछ दो चार बता देना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
है।